सोशल मीडिया पर गलत मैसेज डालना पड़ा महंगा, युवक गिरफ्तार। पॉपुलर न्यूज ऐप में आपका स्वागत है। जोधपुर कोरोना कहर के बीच यदि आप सोशल मीडिया पर कोरोना संक्रमण को लेकर कुछ भी लिख रहे हैं तो जरा सावधान। यदि आपकी पोस्ट में कुछ गलत हुआ तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। जोधपुर में एक शख्स को इस तरह की अफवाह फैलाना भारी पड़ गया। एक तरफ जहां देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर भी कोरोना के इस कहर से नहीं बच पाया है और यहां भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। इस महामारी के वक्त यदि आपने सोशल मीडिया पर बिना किसी पुख्ता जानकारी के कुछ लिखा तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। जी हां, जोधपुर के पंडित अभिषेक जोशी ने अपने फेसबुक पर जोधपुर के MDM अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 200 लोगों की मौत की दुखद खबर का एक फर्जी मैसेज वायरल किया, जिस पर महामंदिर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पंडित जी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब पंडित जी को अपने किए पर पूरा पछतावा है और वे अपने किए को लेकर माफी भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास मैसेज आगे से आया था और उन्होंने इसे महज फॉरवर्ड किया है। लेकिन महामारी के इस दौर में जब भय का माहौल है, लोग कोरोना संक्रमण को लेकर काफी चिंतित है, उस वक्त इस तरह के मैसेज वायरल करना पंडित जी को भारी पड़ गया। ऐसा नहीं है कि पंडित जी को किसी ने टोका नहीं, उनके फेसबुक पोस्ट पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह नीचे कमेंट किए गए हैं, जिसमें लिखा जा रहा है कि भाई साहब क्या यह न्यूज़ सही है, गलत हुई तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक अन्य व्यक्ति ने लिखा कि खबरों का सोर्स बताएं साहब, इस तरह पंडित जी को कई लोगों ने टोका और पंडित जी को अपनी गलती का एहसास भी हो गया, उन्होंने पोस्ट भी डिलीट कर दी। लेकिन पुलिस ने शहर में अफवाह फैलाने के जुर्म में पंडित जी को फिलहाल सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है। रिपोर्ट लोकेश शर्मा, जोधपुर। तो सर क्या मामला था और किस तरह जो है इसको सलाखों के पीछे पहुंचे हैं? ये आज सुबह फेसबुक पर झूठी MDM में 200 लोग ऑक्सीजन की कमी से मरने की खबर फैलाई, जो बिल्कुल झूठी खबर थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और फेसबुक पोस्ट करने वाले पंडित अभिषेक जोशी को दस्तयाब किया है, मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।